विधि विभाग भेजी अनुबंध नियम बदलने की फाइल। फिर लोक सेवा आयोग से मुहर लगवाएगी सरकार। इसके बाद ही जारी होंगे क्लास 3 के भर्ती विज्ञापन। अनुबंध नियमों में होने जा रहे बदलावों की फाइल विधि विभाग को चली गई है। कार्मिक विभाग ने फाइनेंस से इसे क्लियर करवाकर विधि विभाग को भेजा है। विधि विभाग के बाद इस फाइल को लोक सेवा आयोग को भी भेजा जाएगा। वहां से क्लियर होने के बाद ही अनुबंध नियमों की अधिसूचना जारी होगी। इस अधिसूचना का इंतजार इसलिए है क्योंकि क्लास 3 की नई भर्तियों के विज्ञापन लोक सेवा आयोग इसके बाद ही जारी कर सकेगा। हालांकि लोक सेवा आयोग के पास विभिन्न विभागों की भर्तियों की रिक्विजिशन मौजूद है, लेकिन राज्य सरकार के निर्देश है कि कॉन्ट्रैक्ट नियुक्त प्रक्रिया में हुए बदलाव के बाद ही भर्तियां हों, ताकि संशोधित नियमों में ये नियुक्तियां की जाए। अनुबंध नियमों के रूल 15A में ये बदलाव किया गया है। इसमें ये प्रावधान था कि अनुबंध कर्मचारी को उसी पद के रेगुलर वेतन की 60% सैलरी मिलेगी। साथ ही अनुबंध अवधि को भी 2 साल कर दिया गया था। अब इन दोनों ही प्रावधानों में बदलाव हो रहा है, यानी अनुबंध अवधि भी अब नए सिरे से तय होगी। 13 अप्रैल को हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि अनुबंध अवधि और वेतन को राज्य सरकार समय समय पर नोटिफाई करेगी। इसी नोटिफिकेशन पर फैसला अब फाइल पर लिया जा रहा है। वेतन का फैसला वित्त विभाग ने लेना है, जबकि अनुबंध अवधि का फैसला कार्मिक विभाग लेगा। कैबिनेट ने निर्देश दिए हैं कि वेतन अब सरकार की जरूरत के हिसाब से तय होगा, यानी जिन वर्गों में कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं वहां वेतन ज़्यादा होगा, और जहां उपलब्ध मैन पावर ज़्यादा है लेकिन डिमांड कम, वहां वेतन कम होगा। अवधि को लेकर भी नया निर्णय होगा, जिसके लिए नोटिफिकेशन का इंतज़ार है। इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद ही लोक सेवा आयोग भर्ती विज्ञापन जारी करेगा और क्लास 3 की नियुक्तियों में तेजी आ पाएगी।